ला दखल अल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क दिल से कह लिया वो जन्नती है। क्योंकि मक्के में नमाज फर्ज ना हुई थी, रोजा फर्ज ना था, हज फर्ज ना था, सिर्फ इस्लाम की पहचान यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह या मैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा के सामने कलमा पेश किया, दावत और तबलीग का पहला असूल रखा, उसको तौहीद की दावत दी। बिरादरी वाले कहने लगे, चचा ए मोहम्मद के चचा अबू तालिब और हमारे सरदार, देख हमारी नाक न कटवा जाना, हमें जलील खार न कर देना। लोग कहेंगे आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर वहाबी बन गया, आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर नौजवान भतीजे के मजहब पर मरा, हमारे लिए बड़ी बदनामी है। और चचा अपने भतीजे से कहता है, ए मेरे भतीजे, मुझको पता है तेरा दीन तमाम अदियान में सबसे सच्चा दीन, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि लोग मेरे मरने के बाद तानो तशरी करेंगे, ए मेरे भतीजे, मैं तेरे दीन को कबूल कर लेता। लेकिन अब अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मरता हूं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं, तेरे दीन को सच्चा मानते हुए भी कबूल नहीं करता। मर गया, नबी को बड़ा दुख हुआ कि बिलाल जन्नती बना, सुहेब जन्नती बना, खतीजा जन्नती बनी, अबू बकर जन्नती बना, लोगों के चचे जन्नत में गए और मेरा चचा मुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला जहन्नम में गया। अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ नबी जिससे तू मोहब्बत करता है तू उसको हिदायत नहीं दे सकता, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता। सहाबा अल्लाह के नबी से पूछने लगे, अल्लाह के नबी आपके चचा ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, आपकी हिफाजत की, आपकी बड़ी मदद की, आपके चचा को कोई फायदा होगा? कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम को सच्चा जाना, कलमा नहीं पढ़ा, कसूर सिर्फ यह था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरे चचा को आग के दो जूते पहनाएगा, और एक रवायत में यह है कि दो अंगारे इसके पांव के नीचे रख देगा, एक एक पांव के नीचे, दूसरा दूसरे पांव के नीचे। इन अंगारों और जूतों की वजह से मेरे चचा का दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पर हंडिया खोलती है। चचा के आमाल कम थे, लोगों को तौहीद की दावत देने की बजाय आमाल की दावत देने वालों सोचो, नबी के चचा के आमाल कम थे, तुम्हारे सारे आमाल एक तरफ और नबी की हिफाजत का अकेला अमल एक तरफ, तुम्हारे आमाल उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी यहूदी, उसका नौजवान बेटा, उसका आखिरी वक्त आया और अल्लाह के नबी उसके भी सिरहाने जा बैठे और उस यहूदी नौजवान से मुखातिब होकर कहने लगे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, दे इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं। वो नौजवान अपने बाप को देखता है आंखों ही में, इजाजत तलब करता है कि मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं, कोई जवाब नहीं। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान से फिर कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नौजवान ने फिर बाप के चेहरे पर निगाह डाली, बाप ने कहा, अते अबल कासिम, मान ले बात इसकी, इसलिए कि बाप को पता था कि ये आखिरी नबी सच्चा नबी है। यारेफूनहू कमा यारेफून अबना अहम, वो अल्लाह के नबी को ऐसा जानते थे जैसा बाप अपने बेटे को पहचानता कि ये अल्लाह का सच्चा नबी। उसने जबान से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अल्लाह के नबी उसके सिरहाने से उठे, दरवाजे से बाहर निकले, थोड़ी ही दूर गए, घर से चीखो पुकार बुलंद हुई जो इस बात का ऐलान था कि यह नौजवान मर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से, मेरे सबब एक और जान को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। क्या है दावत और तबलीग का असूल? लोगों के सामने सबसे पहले इस बात की दावत रखो कि लोगो, या युहन्नास कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस दावत का बुनियाद का इनकार किया तो यह शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों ने इस मनहज को छोड़ दिया। लोगों को दावत देते हैं, आइए नमाज के लिए, आइए दूसरे आमाल के लिए, जिक्र और अज़कार के लिए आइए, ज़करिया साहब की किताबों की सीमा के लिए, लेकिन लोगों को इस बात की दावत नहीं देते कि आइए अल्लाह की तौहीद की तरफ। और बात यहां तक जा पहुंचती है कि अगर कोई जमात किसी कब्र के इर्द गिर्द तवाफ कर रही है तो यह शख्स भी उस तरीके से उस कब्र के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा। उनको मना नहीं करता कि तवाफ हराम है, तवाफ बैतुल्लाह का हो सकता है, कब्र का तवाफ बहुत बड़ा गुनाह है, कुफर है, शिर्क है, इस बात की दावत नहीं देता, बल्कि खुद भी उस कब्र के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है और उसको कहता है, तवाफ करने वाले को अल्लाह के रास्ते में एक चिल्ला दे दो। अल्लाह के बंदे, ये असूल, ये तरीका अल्लाह के नबी का था। मुशरिकीन मक्का तो ये तरीका लेकर आए थे, आकर कहने लगे थे, ऐसा करो ए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, ऐसा करो, एक साल हम तेरे इलाह को पूज लेते हैं, एक साल तू हमारे इलाह को पूज लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में थोड़ी सी ये बात आई कि अगर इस तरीके से उनको मैं एक साल अल्लाह की तौहीद पर ले आऊं, फिर ये वापस पलटकर शिरक में कहां जाएंगे। अल्लाह के नबी के जहन में थोड़ा सा ख्याल आया, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, ए नबी, अगर हम तुझको ना बचाते, तू करीब था, उनकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता, फिर इज़ल्ला अज़क़ना का ज़ेफ़ल हयात व ज़ेफ़ल ममात, ए अल्लाह के नबी, अगर तू थोड़ा सा भी उनकी तरफ झुक जाता, हम तुझे दुनिया में तेरी जिंदगी का भी अजाब देते दोहरा, और तुझे मरने का भी दोहरा अजाब देते। असूल दावत और तबलीग का यह है कि कोई माने या न माने, कोई उसको आग में गिराने का मंसूबा बनाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में गिरना गवारा करे, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क गवारा ना करे। आज लोगों को तौहीद का कुछ पता नहीं, इस बुनियाद का कुछ पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना। इस मौजू पर मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। हम इबादत करते हैं, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह के नबी ने इस इबादत का मगज क्या बतलाया, अद्दुआ मुखुल इबादा, पुकार ये इबादत का मगज है। अल्लाह कुरान में कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझको पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं, और जिनको तुम पुकारते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, या बहावल हक, बेड़ा धक, कश्ती में सवार हो गए, कश्ती में बैठ गए और फिर आवाज देने लग गए कि ए बहावल हक, हम कश्ती में जा बैठे हैं, अब कश्ती को धक्का लगाना तेरा काम है, या बहावल हक, बेड़ा धक, ए मौला अली, ए मुश्किल कुशा, मेरी कश्ती पार लगा देना। कोई खिजर को पुकार रहा है, कोई अली को पुकार रहा है, कोई नबी को पुकार रहा है, और अल्लाह कहता है, उदऊनी अस्त